नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं, जब भी अपना आप घर बनवा रहे हो और उसके बाद घर बनवाते बनवाते छत के ऊपर पहुंचते हो तो आपको छत डलवाना है, उससे पहले ये क्वेश्चन रहता है कि मैं कितने एमएम का सरिया इसमें डलवाऊं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सारा लोड जो आपका छत पे आता है और छत से आपको ट्रांसफर होकर बीम में जाता है, तो छत पे कितने का सरिया डलवाना चाहिए, ये सही एमएम कितना हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम सरिया बनवाने के टाइम पे हम किन किन बातों का ध्यान रखें और छत डलवाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें, कितने मोर्टार का रेशियो क्या होना चाहिए, सब कुछ आज की वीडियो में कवर होगा। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि कितने एमएम का सरिया डलवाए और उसके बाद बनवाते टाइम पे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण से आने वाले टाइम में छत में क्रैक्स और छत में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, छत कहीं से झुका हुआ, कहीं से बैंड, और जिसके कारण से आने वाले टाइम में लीकेज, सीपेज, ऐसी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बटन सब्सक्राइब जरूर कर दे, और प्लस दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी न जाए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों लाइक करेंगे तभी तो मजा आएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब तो जरूर कर दे अगर नए हैं तो। जल्दी 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 20,000 पहुंचा, एक छोटा टारगेट है 20,000 तक पे पहुंचना, और 20,000 फटाफट से पहुंचा दें, और लाइक का टारगेट आज के वीडियो का हमारा 100 लाइक्स है दोस्तों, इसलिए फटाफट से लाइक जरूर कर दें। अब सीधा टॉपिक पर जाता हूं कि हमें छत पे कितने एमएम का सरिया लगाना चाहिए, खास करके उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अपने घर को बनवाते टाइम पे इंजीनियर या आर्किटेक्ट हायर नहीं करते और वो अपने आप खुद से घर बना रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी बातें हैं क्योंकि अगर इंजीनियर आर्किटेक्ट हायर नहीं कर रहे हैं और आपको सही तरीके से अगर आपने नहीं सरिया सही सरिया नहीं लगवाया तो आपके सर में सरिये में या छत में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। प्लस ये वीडियो है भी उन्हीं लोगों के लिए क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में ज्यादा बड़े स्क्राइस्क्रैपर या बहुत बड़े बिल्डिंग्स की बात नहीं करने वाला हूं, मैं एक छोटे घर 2 मंजिले से 3 मंजिले मकान की बात करने वाला हूं, तो इसलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत जो अगर आप बहुत बहुमंजिला मकान बना रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप एक अच्छा इंजीनियर आर्किटेक्ट हायर करें और तभी आप अपना घर बनाए, मैं ये सजेशन दूंगा। पर्टिकुलरली एक वीडियो देख के सब कुछ देख के बहुत बड़ा स्टोरेज बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं बन सकती है, और अगर आप अपना घर बना रहे हो प्रॉपर एक आर्किटेक्ट की सलाह लेके प्रॉपर एक इंजीनियर की सलाह लेके तब तो कोई बात ही नहीं है। बाकी अगर आप इंजीनियर आर्किटेक्ट की सलाह नहीं ले रहे हो और छोटा घर बना रहे हो जिसमें कि आप 2 से 3 मंजिला घर बना रहे हो, खुद से बनाना चाहते हो, इंजीनियर आर्किटेक्ट के पास पैसे नहीं देना खर्च करना चाहते और आपने ड्राइंग प्रॉपर नहीं बनवाई है एक स्टील की एक घर की, तो उसमें आपको ये सलाह बहुत काम आ सकती है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखें। अब बात आ जाती है कि आप कितने एमएम का सरिया यूज करें। अगर आपका घर का स्पैन ज्यादा बड़ा नहीं है और किसी भी कमरे का, मतलब कि अगर कोई भी कमरा आपका 12 फुट 10 फुट मैक्सिमम 13 फुट इससे ज्यादा बड़ा का जो साइज नहीं है, 13x10 का है, 13x12 का, इससे बड़ा स्पैन नहीं जाता है, तो दोस्तों ऐसे में आप 10 mm का सरिया यूज कर सकते हो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, कोई दिक्कत नहीं आती है। नॉर्मली आप 10 mm सरिया हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अपने स्लैब में, एक नॉर्मल स्लैब में, और इसमें डिस्टेंस जो है 6 इंची सेंटर टू सेंटर रख सकते हो दोनों सरिया के, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्पैन ज्यादा बड़ा है तो दोस्तों मैं सलाह दूंगा कि एक अच्छे इंजीनियर अच्छे आर्किटेक्ट से आप सलाह लेके ही अपने जो भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो भी सरिया डलवाना है उसमें आप एक इंजीनियर एक आर्किटेक्ट से अच्छी तरह सलाह ले लें और तभी आप सरिया उसमें डलवाएं। बाकी आप 10 mm से नीचे का सरिया ना डलवाएं, बहुत लोग 8 mm तक का सरिया डलवा देते हैं, वो बहुत ज्यादा गलत है, तो इसलिए दोस्तों यहां पे आप 10 mm से नीचे का सरिया ना डलवाएं, ये मेरी एक स्पेशल राय है। उसके बाद 10 mm से नीचे ना डलवाएं, और उसके बाद बनवाते टाइम पे आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, इस बात का बहुत जरूरी बात है दोस्तों, जब भी आप सरिया बंधवा रहे हो तो उस टाइम पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें कि हर एक सरिया में अच्छी तरह से बाइंडिंग वायर से बंधा हो। बहुत बार मिस्त्री या लेबर आपका ये गलतियां कर देता है कि वो सरिया आपका बांधेगा एक छोड़ के एक, इससे उनको उनका काम फटाफट हो जाता है, वो काम जल्दी दे देते हैं और जल्दी काम करके आपके भागना चाहते हैं वो लोग। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बाइंडिंग वायर आपका अच्छे से हर एक सरिया में बढ़िया से बंधा हो। अब एक छोटा टॉपिक इसमें और आ जाता है कि अब कितने मोर्टार का रेशियो क्या होना चाहिए। मोर्टार का रेशियो दोस्तों यहां M25 से नीचे का आप ना डलवाएं, मतलब कि 1:1:2 का रेशियो होना चाहिए, 1 सीमेंट 1 सैंड और 2 एग्रीगेट, ये आपका रेशियो होना चाहिए। और दोस्तों जैसे कि मैंने डिस्टेंस बताया, ये आपका डिस्टेंस का जरूर ध्यान रखें, 6 इंची से 6.5 हो सकती है, मगर इससे ज्यादा बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि आपका दूरी हो। अब यहां पे मैं एक छोटा टॉपिक और बता यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा कि बहुत बार लोग क्या करते हैं
कि दो टाइप के सरिये डलवाते हैं, 8 और 10 का या फिर 10 और 12 का, तो ये इस कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि लेवर या मिस्त्री को बहुत बार आप कह देते हैं बांधने के लिए, उनको पता नहीं होता है, वो अपने हिसाब से मोटा मोटी बांध के चले जाते हैं, उनका काम होता है फटाफट से काम खत्म करें और भागे। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आप जिस भी स्लैब में जिस भी कमरे में बंधवा रहे हैं, एक सिंपल एक कमरे का डलवा रहे हैं, एक छत का डलवा रहे हैं, और छत का साइज मान लीजिए आपका 20x40 का है या फिर 10x15 का है, ऐसा जो भी एक शॉर्टर स्पैन है, मतलब जो भी एक छोटी जगह है, उस शॉर्टर स्पैन में अगर आपने सरिया 10 का और 8 का यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों शॉर्टर स्पैन में जो भी मोटा वाला सरिया है आपका वो आएगा, और जो लॉन्गर स्पैम है उसका हमेशा उसमें हमेशा पतला वाला सरिया आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर ध्यान रखें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं छोटा सा एक ड्राइंग बना करके कॉपी पेन के ऊपर भी आपको समझा देता हूं। अगर आप 2 mm का सरिया यूज कर रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब दोस्तों अगर आप इंजीनियर आर्किटेक्ट सलाह लेंगे, मैं हमेशा कहूंगा कि अगर अपना घर बना रहे हैं तो छत डलवाते टाइम पे इंजीनियर आर्किटेक्ट सलाह जरूर लें, उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोड सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसमें 1-way 2-way स्लैब भी आ जाता है उसमें, क्योंकि दोस्तों वो आपका लोड ट्रांसफर करता है बीम के ऊपर, चाहे 1-way स्लैब हो या 2-way स्लैब हो। अगर आप नॉर्मल सलाह नहीं ले रहे हो तो मैं उसके ऊपर उसके लिए बताया, नॉर्मली मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा आपको कि अगर आप इंजीनियर या आर्किटेक्ट सलाह लेके बनाए तो बहुत बढ़िया है। मैं सीधा कॉपी पेन के ऊपर आपको ये भी टॉपिक समझाया मैंने कि शॉर्टर स्पैम का, ये आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कॉपी पेन के ऊपर। चलिए कॉपी पेन पे आ जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर मान लीजिए इस तरह का स्लैब है और ये स्लैब आपका जो है आगे से 20 फुट है, पीछे से 20 फुट है, और ये आपका जो स्पैम है 40 फुट का है, और आपको यहाँ पे सरिया लगाना है 10 का और 12 का। तो मान लीजिए आपको 10 का 12 का सरिया, दोनों अलग अलग सरिया है, अगर 10-10 का लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लगा सकते हैं। अगर आपको 10 का और 12 का लगाना है तो आपका जो शॉर्टर स्पैम है, ये 20 फुट वाला स्पैम है, इस पूरे 20 फुट वाले स्पैम पे आपका जो आएगा ये आपका आएगा 12 का सरिया आएगा। और दोस्तों इसे लंबा वाला सरिया जो आएगा ये आपका आएगा 10 का सरिया। ये हमेशा ध्यान रखें जब भी आप स्लैब कास्ट करवा रहे हो, स्लैब डलवाने वाले हो, तो इस बात, क्योंकि दोस्तों ये छोटा स्पैम में हमेशा एक मोटे डाया का सरिया ही आता है अगर आप ऐसा करवा रहे हो तो। ऐसे ही यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपका ये स्लैब है जो कि आपका आगे से 10 फुट है पर साइड से आपका 15 फुट है, तो यहाँ पे आप 8 mm और 10 mm का सरिया डलवा रहे हो। वैसे दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है 10 mm से नीचे का सरिया कभी भी नहीं डलवाना है। अब मान लीजिए तो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आपके छोटा ज़्यादा छत है ये जहाँ पे 10 फुट का आगे से है, 15 फुट का साइड से है, तो ऐसे में आपका जो भी ये छोटा स्पैम है, 10 फुट का स्पैम है, ये इस पूरे स्पैम में आपका 10 mm का सरिया लगेगा, पूरे स्पैम में ऐसे 10 mm का सरिया लगेगा आपका। और फिर आपका ये वाला स्पैम आ जाता है जैसे ही, तो इसमें आपका 8 mm का सरिया लगेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें जब भी आप स्लैब डलवाते टाइम पर सरिया डलवा रहे हो। तो दोस्तों यही एक छोटी जानकारी थी, मैं हमेशा कहूंगा कि अगर आप स्लैब कास्ट करवा रहे हो तो एक इंजीनियर आर्किटेक्ट सलाह जरूर लें। अब वीडियो समाप्त करता हूँ, वीडियो समाप्त करने के बाद मैं आपसे आपकी राय कमेंट बॉक्स में लेना चाहूँगा, प्लस मैं आपके सुनना चाहूँगा आप क्या कहना चाहते हो इस वीडियो के बारे में। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करके ज़रूर जाएँ, आपका हर एक लाइक आपका हर एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। जय हिंद जय भारत, जल्दी ही मिलते हैं अगली और बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो में। और दोस्तों नए अगर हमें इंस्टाग्राम फेसबुक इन सब जगह फॉलो कर लेंगे तो बहुत अच्छा, हमें बहुत खुशी होगी दोस्तों।